हेलो फ्रेंड्स, आइए मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जिनको बाढ़ के बाद नुकसान हुआ है। उसमें दिनेश महतो जी हैं, जिनका कहना है कि इनके घर के अंदर पानी प्रवेश कर गया था। अब मुश्किल एक कोठरी में इनको गुजारा करना पड़ा है पूरे परिवार के साथ। और इनकी सब्जी की वाटिका देखिए पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इनके घरों में जो सब्जी चलती थी वो अब इनको मिलना मुश्किल है। और पपीता का पेड़ भी सूखा, जिससे इनके घर की सब्जी चलती थी। तो दिनेश जी कह रहे हैं कि ज़रा देख लें कि क्या हाल था इनके घर का। तो चलिए देखते हैं इनके घर का हाल। देखते हैं इनका घर। और देख लें, ये बता रही हैं कि इनके घर में इन जगहों में पानी था। और आइए मैं दिखाता हूँ घर के अंदर का हाल। देख लें घर के अंदर का क्या हाल है इनका। इसमें बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका था। और संभव है इनके भगवान का घर है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें एक फीट से के करीब पानी रहा होगा। और हाल देख लें घर का, बिल्कुल रहने लायक नहीं बचा था। और इनका दूसरा रूम है, उसमें भी पानी था, पर यहाँ फर्श चुकी इन्होंने पक्का करा रखा है, तो नुकसान ज़्यादा नहीं। और ये देख लें, ये पूरा का पूरा डूबा हुआ था। और पिछले 4-5 दिन क्या ख्याल करती हैं और क्या राहत इनको मुहैया कराए जाने की व्यवस्था सरकार के पास है। आइए अब दिखलाते हैं हम विनीत जी का मुर्गा फॉर्म। हालांकि ये मकान गुलशन जी का है, पर खाली था तो खुद का जब डूब गया इनका मुर्गा फॉर्म, तो इसी में उन्होंने अपने मुर्गे के बच्चों को रखा था। तो दिखाते हैं इस मुर्गा फॉर्म को कि क्या हाल है बाढ़ के कारण और कितना परेशानी झेलना पड़ा विनीत कुमार सिंह जी को। इनको कई जगह अपने मुर्गे के बच्चों को रखना पड़ा और अभी भी ये परेशान चल रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चे छोटे हैं, बेचने लायक हुए नहीं हैं। इस दौरान कितने बच्चे इनके मर गए और आर्थिक नुकसान भी इनको हुआ है। तो बाढ़ के कारण जिन लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है, उसमें से एक विनीत कुमार सिंह जी हैं, जो मुर्गा फॉर्म चलाते हैं, मुर्गे के बच्चों को पाल करके बड़ा करते हैं और बेचते हैं। तो उनको जो नुकसान हुआ है वो भी अच्छा खासा है, तो हम उनसे मिलवाएंगे आपको। फ़िलहाल आप इस फॉर्म को देख लें जो गुलशन जी का है, और इसमें रखे गए थे उनके छोटे छोटे मुर्गे के बच्चे। तो विनीत जी फिर से दूसरे जगह रख रहे हैं अपने मुर्गे के बच्चे के बच्चों को अभी। तो ये देखें, यहाँ रखा है अभी उन्होंने, और कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बेचने लायक नहीं है। और विनीत जी से बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया है कि 15-20 दिन तो भाई अभी इसको रखने पड़ेंगे, इस बीच जितने बच्चे मरें या जो भी नुकसान हो ये तो अब झेलने ही पड़ेंगे इनको। ये इनके बाढ़ के कारण बनी है इनकी स्थिति, तो इस पर भाई सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे मुर्गा पालकों को जब नुकसान हो तो थोड़ा बहुत उनके तरफ से भी आर्थिक सहयोग हो। और इनको भी चाहिए कि इंश्योरेंस वगैरह करा के रखें। सुनते हैं विनीत जी से। ये हैं मुर्गा फार्म के विनीत सिंह जी, और इनको भारी नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण। मुर्गा पालन में इनके बहुत सारे बच्चे जो मुर्गे के हैं वो मर गए, और इनका जो फॉर्म था वो भी पानी में डूब गया। फिर यात्रा लेके इनको घूमना पड़ा, और अभी ये खुद के घर के दरवाजे पर रख रहे हैं और चिंतित हैं, पता नहीं और कितना नुकसान होगा। इनके नुकसान की भरपाई अगर हो सकती है तो सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही नुकसान उनको हो गया, क्योंकि बाढ़ के समय में बच्चे छोटे थे और पालना आवश्यक था, ये बेच नहीं सकते थे तो इनको नुकसान हुआ। तहाँ भी जी के क्या स्थिति रहा आपका, ये कितने मुर्गे आपके मर गए इस बाढ़ में? 100 बच्चा मर गए, और कुल मिलाकर अभी भी आपको इनको पालना है तभी आप बेच पाएंगे? अभी भी 15-20 दिन 15-20 दिन पालना है, तो ऐसे में तो इस बार आपको नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और कोई भी
इंश्योरेंस वगैरह नहीं कराए हैं आप? नहीं, पता ही नहीं था इतना ज़्यादा पानी आएगा। अच्छा, वैसे जब फॉर्म में आप मुर्गा पालन जो भी किया जाता है तो इंश्योरेंस होता है उसका? हाँ, होता है। तो इंश्योरेंस करा लें तो शायद नुकसान से आप बच पाएंगे। और पानी का पता ही नहीं था, बच्चा डाल दिए, फिर इतना तेजी आया। अच्छा। समय से पहले ही आ गया पानी। अच्छा, तो आगे आप इंश्योरेंस करवा लेंगे। हाँ। तब नुकसान से बच जाएंगे, वरना इस तरीके का नुकसान कितने दिन सहेंगे। तो ये थे विनीत सिंह जी, मुर्गा फार्म के संचालक। नुकसान हुआ बाढ़ के दौरान और इन्होंने कहा है कि आगे इंश्योरेंस करवा लेंगे ताकि इतने बड़े नुकसान इनको ना झेलना पड़े। तो धन्यवाद विनीत सिंह जी आपको। अब हम दिखलाते हैं आपको हीरा सिंह जी के खेत, जो बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती करते थे। और जो खेत आप देख रहे हैं इसमें बैंगन की फसल लगी थी और सप्ताह में कई क्विंटल बैंगन निकल रहे थे इसमें से, और बाढ़ के कारण पूरा खेत डूबा पानी में और फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। और रात में रखवाली भी करना पड़ता था इनको, सारे मेहनत इनके मेहनत के ऊपर बाढ़ ने पानी फेरा। और तक उनको उनके अनुसार अगर आप समझ पाएँ कि क्या उनको नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान वो कह रहे हैं कि सब्जी की खेती में अभी 50,000 से ज़्यादा मेरे को आमदनी होती। और ये करेले का एरिया है उनका, जहाँ करेला फल रहा था लेकिन उनके पौधे बिल्कुल अब बाढ़ के कारण सूख चुके हैं। तो नुकसान वालों में हीरा सिंह जी को भी नुकसान हुआ है। तो हीरा सिंह जी से मिलते हैं और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं हीरा सिंह जी। चूरा और गुड़ जो बटा, तो चूरा गुड़ हम लोग खा लिए हैं, चावल दाल जो है दलित महादलित लोग खा रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं इसके आगे जो हम लोगों का क्षति हुआ, इसके एवज में फसल मुआवजा, आपदा जो 6,000 रुपया मिलता था वो भी जल्दी मिल जाए, ताकि जनजीवन जो है लोगों का पटरी पर आ जाएगा। तो ये सब सरकार अविलंब व्यवस्था करके हम लोगों के जैसे पीड़ित लोगों को जल्द मुहैया कराएगा तो ठीक रहेगा। सरकार को हम क्या कहेंगे, सरकार तो खुद ही देख रहा है हम लोग बाढ़ पीड़ित से ग्रसित हैं, इसलिए वो सोच समझ के जो भी कदम उठाएगा बढ़िया कदम उठाएगा। मैंने 6,000 चाहिए। हाँ तो मिला चाहिए सर। वीरेंद्र प्रसाद सिंह, जेपी सेनानी, आप लोगों को ये कहने जा रहे हैं कि इस बार का बाढ़ राहत कार्य जो हमारे सीओ चलाए हैं ये बड़ा ही सराहनीय रहा है। इतना बढ़िया ढंग से सारी व्यवस्था, मेरा 70 वर्ष का उम्र होने जा रहा है फिर भी कभी नहीं देखा था कि इस तरह के बाढ़ राहत कार्य हुआ है। हम सभी लोग के तरफ से, हम यहाँ अभी 20 आदमी बैठे हुए हैं, ये सभी लोगों से बड़ा ही सीओ को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्री राजेश कुमार सिंह जी के द्वारा जो इस बार पहल किया गया है उसको हम लोग दिल से स्वागत करते हैं कि इतना बढ़िया व्यवस्था, तमाम कार्यक्रम जो है वो प्रशासन के हाथ में देके शुद्ध रूप से जो बटवाए हैं उनका जो व्यवस्था चल रहा है वो बधाई के पात्र हैं। उनको मेरे समाज की तरफ से हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी चाहेंगे कि जो अनुदान है वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलावें।